क्लास 5, नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? टुडे वी सॉल्व आवर एक्टिविटी बुक। आप लोग को एक एक्टिविटी बुक मिली हुई है ना, तो उसमें आप इंग्लिश का पेज नंबर 21 ओपन कीजिए, ठीक है? एक्टिविटी पार्ट 5 करके आपको एक बुक मिली होगी, वो बुक का पेज नंबर 21 इंग्लिश लेसन नंबर 1। यू कैन से दिस इज नॉट अ लेसन नंबर 1, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। यू कैन सी माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल मतलब मेरा प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल मतलब पूरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना फेवरेट चीज, अपने फेवरेट सब्जेक्ट, सब कुछ अपने बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? माई नेम। माई नेम तो मेरा नाम, मगा मेरा नाम है अंजलि चक्रवर्ती, ये मैंने नाम लिख दिया। माई बर्थडे कब आता है? बर्थडे 29/5, ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। मेरा फेवरेट कलर पर्पल, रेड, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं मेरे कलर, आपके कौन से आप लिख देना। माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। माई बेस्ट फ्रेंड, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। माई आइडियल टीचर, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, दिस इज माई सीक्रेट। माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ऑगी द कॉकरोच। आप लोग को कौन सा पसंद है आप लोग लिख देना, ठीक है? तो ये आप लोगों को खुद से करना है, अपने प्रोफाइल खुद से फिल करेंगे, ओके? नाउ मॉडल मैजिक। इमेजिन यू आर ए हाईजैक ट्रेन रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। सोचो आप दिल्ली से लाहौर आ रहे हो और आपको गुंडे ने घेर लिया हो, ट्रेन में हाईजैक कर लिया हो। द ट्रेन हैज मैनी वुमेन, ट्रेन में बहुत सारे वुमेन हैं, एंड चिल्ड्रेन इन इट, और बच्चे भी हैं। दे आर वेरी स्केयर्ड, उन लोग बहुत डरे हुए हैं, स्केर्ड मतलब डरा हुआ। द अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल टू फुलफिल देयर एविल डिजायर। जो अथॉरिटीज है मतलब जो गवर्नमेंट है होंगी या फिर वहाँ पे जो हाई कमांडर होंगे, वो बहुत अपना इधर उधर सब कुछ करके देख ले, लेकिन ये जो दुश्मन अटैक किए हैं उनकी जो एविल डिजायर है मतलब जो वो चाहते हैं, जो बुरा चीज उन लोग चाहते हैं करना, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। थिंक ऑफ व्हाट यू माइट डू टू प्रिवेंट द मिलिटेंट्स एंड हेल्प द पैसेंजर्स टू कम आउट ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप उनकी जगह में होते तो आप क्या कर सकते थे इन बच्चों, इन औरतों को बचाने के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, I could hide under the seat and pull one of the militant's leg when he is walking past by my seat. मैं सीट के पीछे छुप जाता और जब भी मेरे सामने से कोई militant जाता, जो मतलब दुश्मन जो था वो उसका जो अगर कोई भी साथी मेरे सामने से निकलता तो मैं उसके पैर पकड़ के खींच देता। दूसरा एग्जाम्पल, I would pretend to faint and when the militants would convinced that I am unconscious and they would ignore me, I would hit them behind with a heavy bag. मैं बेहोश होने का नाटक करता और जब militants ये मान लेते कि मैं बेहोश हो चुका हूँ, convinced मतलब मान लेना, ये मान लेते कि मैं बेहोश हो चुका हूँ, तब मैं उनको पीछे से अपने हैवी बैग से जोरदार मारता। अब आप क्या करते ये आपको बताना है। देखती हूँ मैं आपके दिमाग में कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ ओपन पेज नंबर 22, ओके? लेट्स थिंक, सोचो सोचो, चलो सोचो, अपना दिमाग लगाओ।
ये जो एस लेटर है, हमारा जो एस लेटर है, ये एस लेटर कभी इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कभी हम इसको ज ऐसे पढ़ते हैं। भाई ऐसा क्यों? आखिर एस है तो सही पढ़ना चाहिए ना? नहीं, कभी इसको हम लोग एस साउंड के इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी वर्ड्स में अलग अलग साउंड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ज बोलने होगा वहाँ पे आप स तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिया है, एक स्नेक का स, एक बीज का ज। जैसे बीज लोग बजिंग करते हैं ना ज, ज, ज। जैसे मॉस्किटो क्या करता है तो वैसे ही आपको दो कॉलम दिए हैं, एक सांप का स वाला, एक बीस का ज वाला। अब यहाँ पे लिखा है BRASS, ब्रास। ब्रास कहाँ पे आएगा? SS के कॉलम में कि ZZ के कॉलम में? ब्रास क्या आ रहा है साउंड? स। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड, क्लोज साउंड क्या आ रहा है? क्लोज ज, तो क्लोज आएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड? ब्रास, क्योंकि एस का साउंड आया है लास्ट में। क्लोज क्योंकि ज का साउंड आया है, तो यहाँ पे क्लोज। समझ में आया? सो डू इट योर सेल्फ, बाकी आप खुद से करोगे। नाउ नेक्स्ट, विच शिप डू यू ट्रेवल बाय? अच्छा, कौन से शिप में आप ट्रेवल करोगे? ट्राई टू फॉर्म द वर्ड्स दैट आर एंडिंग विथ शिप। आपको इसमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो जिसके पीछे SHIP शिप इस्तेमाल होता है, मतलब इस वर्ड से ही ख़त्म होना चाहिए। आप जो नया वर्ड बनाओगे अभी, उस ये वाले वर्ड उसमें आने ही चाहिए। चलिए, द स्टेट ऑफ बींग फ्रेंड्स, दोस्ती को क्या बोलते हैं? एक दूसरे की दोस्ती को। करेक्ट, लेसन नंबर टू में हमने पढ़ा है क्या? फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप पढ़ा है ना हमने। टू प्रे टू एंड शो रिस्पेक्ट फॉर गॉड, भगवान को प्रेयर करने के लिए और पूजा करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? Worship, good, WORSHIP, worship. The state of being a member of a group, एक member, मतलब एक group का आपका member होना वो क्या कहलाता है? क्या, सॉरी, एक group का member बनना उसको क्या कहते हैं? Membership, very good, membership. ओके, देखो सबके पीछे शिप शिप आया ना। अब ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है, ये खुद से करोगे आप। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 23, ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग खराब कर देने वाला। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये पिक्चर को देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके हेल्प से आपको फिलअप करने हैं। आई एम ए डैश, ये कौन है? गोट, काओ, यस काओ, तो हम यहाँ लिखेंगे काओ। तो ये तो आसान है, ये तो आपको बन जाएगा। आई एम ए डैश एनिमल, ये कौन सा एनिमल है? ग्रास, काओ हो गया तो काओ को ऐसे काट दो। ग्रास, चीज, कर्ड, मिल्क, डंग, न्यूट्रिशन की डोमेस्टिक। आई ईट डैश, वो क्या खाता है? ग्रास खाता है, चीज खाता है, कर्ड खाता है, मिल्क खाता है, हाँ डंक खाता है, न्यूट्रिशियस खाता है, क्या खाता है? आई गिव यू, वो हमको क्या देता है? ग्रास, चीज, कर्ड, मिल्क, डंक, न्यूट्रिशियस, डोमेस्टिक। इट इज अ डैश फूड, कौन सा फूड है? डैश एंड डैश आर मेड फ्रॉम मिल्क, क्या क्या मिल्क से बनता है? फार्मर्स ऑल्सो यूज माई डैश, फार्मर मेरा डैश को यूज करते हैं इन द फील्ड फॉर बेटर क्रॉप, अपने जो क्रॉप्स उगाते हैं उसके लिए। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है।
क्योंकि काओ के बारे में, और आप सब जानते हो काओ के बारे में क्या होता है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिलअप करो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के फॉर्म्स में. ठीक है, वर्ब्स मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको, हैज हैव कहाँ यूज होते ये भी बताया है मैंने आपको. एवरी ह्यूमन डैश ए राइट टू लिव विथ रिस्पेक्ट. हैज ए राइट की हैव ए राइट, हैज ए राइट. एवरी ह्यूमन हर एक व्यक्ति, हैज सिंगुलर के साथ लगता है. ऑल द गर्ल्स इन आ स्कूल डैश इन डांस कॉम्पिटिशन. हमारे सारी लड़कियां हमारे स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन में क्या किया है, पार्टिसिपेट की पार्टिसिपेट्स, पार्टिसिपेट्स. हाउ मैनी डेज डैश थ्री देयर इन ए वीक. हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक होगा कि इज देयर इन ए वीक होगा, आर देयर इन ए वीक होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल है, मतलब बहुत सारे हैं, तो प्लूरल में हमेशा आर लगता है. ओके, प्लूरल में हमेशा आर, इज का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर के टाइम में होता है. नाउ डियर स्टूडेंट, फोर्थ जनवरी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर डैश 31 डेज, हैज की हैव, दिस इज योर होमवर्क. मॉर्निंग डैश द बिगिनिंग ऑफ द डे, शो की शोज, ये भी आपका होमवर्क. ठीक है, तीन मैंने बताया, दो आपको करना है. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 24, दिस इज आ लास्ट पेज, ये हमारा लास्ट पेज है. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी, क्लास में नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट बटरफ्लाई एंड देयर एंटोनिम्स फ्रॉम अनदर वन एंड राइट देम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटोनिम्स? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट बोले तो उल्टे शब्द, विलोम शब्द. ठीक है, ऑपोजिट मतलब विलोम शब्द. ठीक, अब यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई का विलोम शब्द आपको इसमें से खोजना है और उसको फिर यहाँ पे लिखना है. एक ठो करके बताऊं? ओके, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का विलोम शब्द हमको यहाँ से खोजना, मतलब ऑपोजिट एंटोनिम्स हमको यहाँ से खोजना है. ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑनेस्ट एंड द ऑपोजिट इज डिसऑनेस्ट. ओके, नाउ हैप्पी, सब जानते हैं हैप्पी का उल्टा सैड, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं सैड, कैसे लिखें? तो यहाँ पे अनहैप्पी है, अनहैप्पी. अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? बाकी का आप लोग खुद से करोगे. नाउ नेक्स्ट, मैच द एनिमल गिवन इन द पिक्चर विद देयर गिवन वंस. जो नाम दिया हुआ है किसका? इनके बच्चों का. अब डकलिंग किसको बोलते हैं, कब किसको बोलते हैं, लैम्ब किसको बोलते हैं, पप्पी किसको बोलते हैं, कॉल्ट किसको बोलते हैं, उनकी मम्मियों से आपके उसको मैच करवाना है. ओके, हो जाएगा? ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड योर एक्टिविटी बुक. सो कंप्लीट दिस एक्टिविटी बुक एंड सबमिट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप इटसेल्फ. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.